बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तालीम की दुनिया में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, NET नर्स्ड यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, जबकि ECAT UET लाहौर की जानब से कंडक्ट किया जाता है। ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंजीनियरिंग में ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में शुमार की जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, तमाम तर तुलबा जिन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना होता है, ये दोनों टेस्ट देते हैं और अपनी अपनी मुतलका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया है या देना है, वो बहुत ही ज़्यादा इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो इस बात को लेकर बैठे रहते हैं कि आया कि NET हमें देना चाहिए या ECAT देना चाहिए। ये स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हर साल एंट्री टेस्ट देते हैं, NET भी देते हैं और ECAT भी देते हैं। तो NET साल में 3 बार कंडक्ट किया जाता है, जबकि ECAT साल में सिर्फ और सिर्फ 1 बार ही कंडक्ट होता है और ये UET लाहौर की जानब से कंडक्ट किया जाता है। ये स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इस बात से परेशान होते हैं कि हम ECAT की प्रिपरेशन करें या NET की प्रिपरेशन करें, आया कि ये दोनों एंट्री टेस्ट सेम होते हैं या इनमें कोई डिफरेंस है, NET आसान होता है या ECAT आसान होता है। तो इन तमाम बातों का जो हाल अहवाल है इस वीडियो में जानेंगे, इन तमाम टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आया कि ECAT आसान होता है या ECAT डिफ़िकल्ट होता है NET से। तो हमें NET देना चाहिए, ECAT देना चाहिए, हमें कौन सा टेस्ट देना चाहिए ताकि हम अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो की जानब बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचता रहे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं और वो ये करते हैं कि तमाम तर जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया है या अभी देना है, उनको दोनों टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ ECAT के लिए अप्लाई करें या आप सिर्फ NET के लिए अप्लाई करें, तमाम स्टूडेंट्स को दोनों टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करें, आप अगर इन दोनों टेस्ट में अप्लाई कर लिया है तो मेन डिफरेंस इन टेस्टों में क्या है, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि NET के जो MCQs होते हैं वो 200 होते हैं, जबकि ECAT के जो MCQs हैं वो सिर्फ और सिर्फ 100 हैं। यानी 100 MCQs ECAT का होता है और NET के जो MCQs हैं वो तकरीबन 200 होते हैं। NET का जो टेस्ट है वो उसका जो टाइम है वो 180 मिनट है, यानी 180 मिनट 3 आवर्स टाइम होता है, जबकि ECAT का जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 1 आवर एंड 40 मिनट्स होते हैं, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट आपके पास टाइम होता है, 100 मिनट टाइम होता है ECAT को सोल्व करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें NET में भी 3 ही सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर जो साइंस सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जबकि इंग्लिश और इंटेलिजेंस को भी फॉलो किया जाता है। इंग्लिश के भी थोड़े से MCQs आते हैं और इंटेलिजेंस में से 5 से 10 MCQs लिए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें ECAT की तो ECAT में भी 3 से 4 सब्जेक्ट ही फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, और जो दूसरा जो चौथे नंबर पर सब्जेक्ट आता है वो इंग्लिश का आता है। इंग्लिश में से आपको कंप्रीहेंसिव पैराग्राफ दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें इन दोनों टेस्टों का जो फॉर्मेट है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो टेस्ट डिफ़िकल्ट है वो कौन सा होता है और कौन सा आसान होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, एंट्री टेस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी का डिफ़िकल्ट नहीं होता और ना ही इतना ईजी होता है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट जो है वो एक ट्रिकी होता है। आप ट्रिक्स आपको आनी चाहिए तो आप एंट्री टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि NET में जो MCQs आते हैं वो हाफ़ MCQs आसान होते हैं और जो हाफ़ MCQs होते हैं यानी कि 100 MCQs वो डिफ़िकल्ट होते हैं।
और ई कैट की अगर बात करें तो ई कैट में सबसे जो डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है वो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का होता है। केमिस्ट्री और इंग्लिश के एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, यानी कि 40 एमसीक्यूज़ इसमें भी आसान होते हैं और 60 में से तकरीबन 10 तो वो भी आसान ही होते हैं, यानी 50-50% जो है डिफ़िकल्ट और ईजी होता है, 50% ईजी और 50% डिफ़िकल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें स्टूडेंट्स को दोनों टेस्ट देने चाहिए, मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप NET दें या ECAT दें, दोनों टेस्टों में अप्लाई करें जिसमें आपका अच्छा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन आप अच्छी कैसे कर सकते हैं ECAT की NET की, तो आप रोज़ाना की डेली रूटीन बनाएं पढ़ने की, आप जो बुक्स हैं हेल्पिंग मटेरियल है टेक्स्ट बुक है उसको अपने पास रखें, एक टाइम मैनेजमेंट बनाएं, यानी डेली की रूटीन बनाकर आप पढ़ें, एक लेवल से स्टडी करें, आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी। डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक को अच्छी से अच्छी तरह रीड करें, एंट्री टेस्ट हैं वो लिए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें आप डेली रूटीन बनाकर पढ़ें, एक लेवल से स्टडी करें, और इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो टेस्ट की आती है। जब आप टेस्ट देने जाएं आप वहां पर जाकर अच्छे से अच्छा जो परफॉर्मेंस आपने अगर देनी है तो आप सबसे पहले ईजी MCQs को सॉल्व करें। मिसाल के तौर पर NET में ये देखा गया है कि थोड़े से जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं वो ईजी होते हैं, जो ECAT में होते हैं वो केमिस्ट्री के इजी होते हैं। तो सबसे पहले आप एक लेवल से यानी इजी MCQ सॉल्व करें और बाद में डिफ़िकल्ट MCQ सॉल्व करें, इस तरह आपका जो ECAT और NET है वो अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, डिफ़िकल्ट MCQs को आप इस वजह से चूज़ ना करें पहले, वो इस वजह से क्योंकि अगर आप डिफ़िकल्ट MCQs में फंस गए तो आप परेशान हो जाएंगे, इस तरह आपका सारा जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इजी MCQs बाद में डिफ़िकल्ट MCQs को सॉल्व करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें, अगर मैं रिकमेंड करूं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नहीं तो आप कम से कम 5 यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्री टेस्ट हैं उनमें अप्लाई करें, और NET 1 NET 2 NET 3 तीनों में अप्लाई करें। ये मेरी रिकमेंडेशन है क्योंकि जिसमें आपके अच्छे मार्क्स होंगे उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। मिसाल के तौर पर NET 1 में आपके कम मार्क्स हैं, NET 2 में थोड़े से ज़्यादा हैं, NET 3 में फिर कम आ गए, तो NET 2 के जो मार्क्स हैं वो काउंट होंगे। इस तरह आप अगर अच्छे मार्क्स ले लेते हैं तो आप ज़्यादा MCQs ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एडमिशन हासिल कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें NET में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और ECAT में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो NET में तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और ये ना हो कि आप गलत ही चूज़ करते जाएं, आप अपने हिसाब से अगर तुक्का भी लगाना है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ECAT में आप तुक्का ना लगाएं। अगर आपने तुक्के लगाए और वो तमाम के तमाम गलत हुए तो आपका जो काम है वो सारा ख़राब हो जाएगा, यानी आपके जो नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपने 50 MCQs करेक्ट किए तो आपको जो है उसके मार्क्स मिले वो 2000 मिल गए, लेकिन आपने 60 रॉन्ग कर दिए तो आपके जो मार्क्स रह गए वो सिर्फ़ और सिर्फ 140 रह गए। तो आप नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप तमाम MCQs को सॉल्व ना करें, जो MCQs आपको अच्छी तरह से आते हों आप उनको ही सॉल्व करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।